सो यस गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट द बेस्ट स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। मैंने काफ़ी रिसर्च इसके बारे में, और क्योंकि मुझे खुद भी एक अच्छा हेडफोन चाहिए था स्टूडियो मॉनिटरिंग के लिए, तो मैंने लिया प्रिसोनस का HD9। और काफ़ी महीने हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। मैंने इसे यूज़ किया है फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, और जब मैं फाइनली कन्विंस हो गया हूँ आफ्टर सो मैनी मंथ्स ऑफ यूजेस, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इस हेडफोन्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि क्या ये हेडफोन्स आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। यस गाइस, दिस इज प्रिसोनस HD9 स्टूडियो मॉनिटर हेडफोन्स, जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी आपको देने वाला है। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ब्रांड के बारे में। यस गाइज, प्रिसोनस। प्रिसोनस एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो जाना जाता है अपने बेस्ट एनालॉग और डिजिटल मिक्सर्स के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड आपको सबसे बेस्ट स्टूडियो में देखने को मिलते हैं। प्लस इनके जो ऑडियो इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आपको बेस्ट क्वालिटी आउटपुट देते हैं। ये जो कंपनी है प्रिसोनस, ये आज से तकरीबन 25 साल पहले स्टार्ट हुई थी जर्मनी में, बट आज की डेट में इनका जो हेड ऑफिस है वो है USA में, लुइजियाना में, और अब हमारे हाथ में है ये प्रोडक्ट। और सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में, इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इसकी बिल्ड के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मैट कलर में आता है ये प्रोडक्ट। प्रिसोनस का जो HD9 स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन से आपको एक मैट फिनिशिंग में मिलता है प्रोडक्ट। ओवरऑल जो बॉडी है इसकी वो प्लास्टिक की बनी हुई है, बट यस, प्लास्टिक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। और साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें जो कुशन्स हैं वो ईयर पैड्स जो हैं वो लेदर के, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेदर के हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है। आप इसका अगर हेड बैंड देखेंगे तो ये भी आपको प्रॉपर लेदर से बना हुआ देखेंगे, जिससे कि आप इसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने मिक्सेस पे, आप इसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यस गाइस, दिस इज़ एडजस्टेबल, और एडजस्टेबल होने की वजह से ये हर एक साइज़ जो आपका हेड का शेप साइज़ होता है उस पर परफेक्टली फिट हो जाता है। और साइड में आपको देखने को मिलेगा लोगो। यस, दिस इज़ क्लोज एंडेड हेडफोन्स। क्लोज एंडेड हेडफोन्स इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि कंप्लीट नॉइज़ कैंसिलेशन आपको देते हैं। जब भी आप अपने रिकॉर्डिंग, अपनी मिक्सिंग या मास्टरिंग पे आप काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे आप काम कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी कोई भी बाहर की इन्वायरमेंटल नॉइज़, एम्बियंस नॉइज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। और इसके साथ दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि कोई भी लीकेज आप जो इस हेडफोन पर सुन रहे हैं अपने म्यूज़िक की, अपनी बीट्स की, वो लीकेज आपकी बाहर नहीं जाती है। अगर आप इसको यूज़ करके देखते हो तो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और आपको पता चलता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें स्पेशली जो लेदर के कुशन्स हैं, जो इसके ईयर पैड्स हैं, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये यहाँ पर प्ले आउट करते हैं। सो यस गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी केबल की। जो केबल आपको इसके साथ मिलती है वो तकरीबन 10 फुट लंबी केबल है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे इजीली अपने स्टूडियो में कहीं भी फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस यहाँ पर होने वाली नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जो आपको साउंड देता है, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। बट यहाँ पर बेस को थोड़ा कहीं ना कहीं जो लो फ्रिक्वेंसीज को उन्होंने एम्पलीफाई करके रखा है, ताकि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उसे इजीली मॉनिटर कर सके। और गाइस, जो इसका बेस्ट फीचर है वो ये है कि ये आपको किसी भी तरह की ओवर हाइप फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करके नहीं देता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे जब रियल टाइम पे ट्रैकिंग पे या रिकॉर्डिंग पे या फिर मिक्स मास्टर पे यूज़ करें, तो उस टाइम इसका जो ये रिस्पॉन्स देता है रियल टाइम में, जो आउटपुट आपको प्ले करके देता है, वो काफ़ी बेहतरीन है। 45mm का यहाँ पर न्यू प्रीमियम ड्राइवर आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करके देता है वो काफ़ी लाउड होती है। इसके अलावा 1800mW पावर कि साउंड ये प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा लाउड और काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको साउंड मिलने वाली है अगर आप इसे प्रॉपर अपने ऑडियो इंटरफेस या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। और गाइस, जब आप इसे फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लेंगे, आप इसे फील करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में प्रीमियमनेस देखने को ज़रूर मिलेगी। यस, आई अग्री कि कहीं ना कहीं ऑडियो टेक्निका की ATH 50X हेडफोन जैसा ये ज़रूर दिखता है, जिसको मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कंफर्ट लेवल जिसकी क्वेश्चनिंग है, जो उससे ज़्यादा बेटर
इसका एक्सपीरियंस देती है, फटीग कम होता है, ईयर फटीग जो होता है वो काफ़ी कम होता है, और ओवरऑल इसमें जो लेदर की कुशनिंग और प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ऑडियो टेक्निका ATH M50X जो हेडफोन है वो इंडिया में आज की डेट में तकरीबन 12,000 रुपये के आसपास मिलता है, जबकि प्रीसोनस का ये हेडफोन आपको ईजिली उससे बेटर क्वालिटी, उससे बेटर ड्यूरेबिलिटी और फीचर्स के साथ आपको ईजिली 8500 का मिल जाता है, जो कि इसे एक बेटर डील भी बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी, जिसका मतलब यह कि अगर आपके हेडफोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी द ब्रांड इज गोइंग टू फिक्स दैट प्रॉब्लम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। सो गाइस आपको लिंक इसका मिल जाएगा, अमेजन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप अमेजन का लिंक पे जाइए, चेकआउट कीजिए इसके स्पेसिफिकेशंस, बाकी कस्टमर्स बाकी आर्टिस्ट इसके बारे में किस तरह का रिव्यू दे रहे हैं वो रिव्यू देखिए, और अगर आप कन्विंस होते हैं उन रिव्यू से और इस वीडियो से तो जरूर जाके इस हेडफोन को खरीदिए। और गाइस आई एम श्योर कि इन सारे ही फीचर्स के साथ प्रीसोनस का ये हेडफोन एक बहुत ही बेहतरीन डील होने वाली है, और आपके स्टूडियो में, आपके प्रोफेशनल स्टूडियो में आपको बेटर प्रोडक्शन, बेटर मिक्सिंग, मास्टरिंग, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। और गाइस इफ यू स्टिल थिंक दैट यू हैव अ क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द सॉल्यूशन एंड द आंसर्स, और एक आर्टिस्ट के साथ, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी इंप्रूव हो सके, उसकी आउटपुट क्वालिटी भी इंप्रूव हो सके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड, इट्स अ बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, पीस।